सो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि ऑन द बेसिस ऑफ गोल्स हमारे जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, हम इन 7 तरीकों से उनको सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहला है वैलिडिटी या वैधता। वैलिडिटी और वैधता से मीनिंग ये है कि हम जो भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस सिलेक्ट करेंगे वो कैसे होने चाहिए। सबसे पहले तो वो वैलिड होने चाहिए और इम्प्लीकेबल होने चाहिए। ओके, मतलब कि आप जो भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस दे रहे हैं वो पर्पसफुल होंगे, क्योंकि आप जिस भी ऑब्जेक्टिव को लेके आपने लर्निंग एक्सपीरियंस फ्रेम किया है ना, वो पर्पसफुली उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना चाहिए, तो वो वैलिड कहलाएगा। और वो इम्प्लीकेबल भी होना चाहिए, वो हम अप्लाई भी कर सकें, उसका नेचर ऐसा होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड है कॉम्प्रिहेंसिवनेस या व्यापकता। इसमें हम देखते हैं कॉम्प्रिहेंसिवनेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जितने भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस हम फ्रेम कर रहे हैं या सिलेक्ट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो भी आपके गोल्स हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, गोल्स और ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे हमने क्या किया है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो हैं वो सिलेक्ट किए हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे देखी जाएगी कि जितने ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या उतने ही लर्निंग एक्सपीरियंसेस उनके अकॉर्डिंग सिलेक्ट किए गए हैं या नहीं। सपोज़ अगर 10 हमारे ऑब्जेक्टिव हैं तो यहाँ पे जितने लर्निंग एक्सपीरियंस होंगे वो सारे के सारे इन 10 ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल होने चाहिए या कवर अप करने चाहिए, इन सबको इसमें इंक्लूडेड होना चाहिए। तो ये इसकी व्यापकता को बताता है, क्योंकि अगर अक्सर ये देखा गया है कि जितने भी ऑब्जेक्टिव्स लिए जाते हैं हर एक ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो फ्रेम नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रैक्टिकल बिहेवियर में ये चीज़ अचीव नहीं हो पाते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कॉम्प्रिहेंसिवनेस का। देन थर्ड है वैरायटी, विविधता। वैरायटी या विविधता की जब हम बात करते हैं तो हमें ये पता है कि एक क्लास में जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर एक को अलग तरीके से समझ में आता है और हर एक के लिए अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड यूज़ किए जा सकते हैं। ओके, दूसरा ये है कि साथ में उनकी जो स्पीड होती है पढ़ने की वो भी डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखते हुए हम जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो भी डिफरेंट डिफरेंट जो है यहाँ पे फ्रेम होंगे। ठीक है, यहाँ पे इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं उनके बेसिस पे जो हमारे लर्निंग एक्सपीरियंस है वो भी वैरायटी में होंगे। ठीक है, क्योंकि इनका जो है हर एक के लिए मेथड अलग होगा, इनकी स्पीड लर्निंग की अलग होगी। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं वो भी काफ़ी विविध होंगे, काफ़ी वैरायटी में होंगे। नाउ द फोर्थ वन इज सुइटेबिलिटी, उपयुक्तता। तो सुइटेबिलिटी में हम ये बात करते हैं कि जो इंडिविजुअल हैं, ओके, तो जो भी हम लर्निंग एक्सपीरियंसेस सिलेक्ट कर रहे हैं सबसे पहले तो वो इंडिविजुअल के लिए कैसा होना चाहिए, उपयुक्त होना चाहिए। दूसरा, उसके क्लास का जो लेवल है उसके लिए होना चाहिए सुइटेबल। मतलब अगर 8th क्लास की हम बात करें तो उस 8th क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है उसका एक अलग लेवल है, और अगर हम 12th क्लास की बात करें तो उस बच्चे का एक अलग लेवल है। तो लर्निंग एक्सपीरियंसेस जिस क्लास लेवल के लिए बनाए जा रहे हैं उस लेवल के लिए वो सुइटेबल होने चाहिए। इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि बच्चे जो हैं वो सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी से डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो सोसाइटी में ही उनकी जो है अपब्रिंगिंग हुई है, ग्रोथ हुई है, डेवलपमेंट हुआ है। सो बच्चे अलग, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है तो शुरू से अभी तक मतलब एडल्टहुड तक उन्होंने जो भी फेजेस पार की हैं उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप को सोसाइटी में एडजस्ट करने की कोशिश की है। उनकी नीड्स चेंज हुई हैं, उनकी आवश्यकताएं चेंज हुई हैं। तो हर एक एज लेवल पे जो बच्चे का एक रिक्वायरमेंट है, जो नीड है,
जो आवश्यकता है वो चेंज होती है। तो इस एज के अकॉर्डिंग, इस लेवल के अकॉर्डिंग ही हमें लर्निंग एक्सपीरियंसेस भी हैं जो वो सिलेक्ट करने चाहिए, और वो उस एज के लिए, उस क्लास लेवल के लिए, उस इंडिविजुअल के लिए कैसा होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए। ओके, नाउ फिफ्थ है पैटर्न या प्रतिरूप। देखिए, जब भी हम लर्निंग एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रतिरूप या पैटर्न, तो यहाँ पे इसके दो पहलू हैं। ठीक है, इन दो पहलुओं पे हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहला ये कि एक गिवन टाइम पीरियड में एक गिवन टाइम पीरियड में बच्चों की क्या करेक्टरिस्टिक है, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं या क्या गुण हैं। ठीक है, जैसे सपोज़ अगर आज की हम बात करें, तो एक क्लास में आज हम ये अगर मेजर करते हैं कि बच्चों में क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, एक तो ये पहलू है। दूसरा ये कि एक समय के साथ जो करेक्टरिस्टिक्स बदलती हैं उसकी बात करते हैं, जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं, टाइम के अकॉर्डिंग हम कहें चेंजेस हो रहे हैं, तो उनमें जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैसे हैं, और इन करेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं उनको फ्रेम करना चाहिए। ठीक है, देन हमारा सिक्स पॉइंट है रिलेवेंस टू लाइफ, जीवन के संबंध में। यहाँ पे हम सीधे सीधे जो बात करें कि लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं वो कैसे होने चाहिए, वो डायरेक्टली रिलेटेड होने चाहिए हमारी लाइफ से। क्योंकि देखिए, अगर जो भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं वो डायरेक्टली अगर लाइफ सिचुएशन से मैच करते हैं, उनके जैसे ही हैं, तो जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होती है वो भी इजी होती है, और बच्चे को समझ में भी ज़्यादा आता है, और वो उन चीज़ों को इजीली अपने लाइफ में इम्प्लीकेट कर पाएगा या उसे अप्लाई कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेटेड या रिलेवेंस जो है वो जीवन के साथ होना चाहिए, और साथ में ही यहाँ हम बोलेंगे ये रिलेवेंस हम आज मतलब कि प्रेजेंट में भी देखेंगे और फ्यूचरिस्टिक वे में भी देखेंगे। फ्यूचर की भी बात करेंगे और आज की भी बात करेंगे यहाँ पे, कि जो भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस हम दे रहे हैं वो कितना रिलेवेंट है आज के समय में, और वो कितना रिलेवेंट होगा हमारे कल आने वाले कल में। ठीक है, कितना यूज़फुल है। सो ये रिलेवेंस टू लाइफ यहाँ पे हम देखेंगे। देन पीपल पार्टिसिपेशन इन प्लानिंग, नियोजन में शिक्षार्थियों की सहभागिता। सो हमें जो भी बच्चे हैं उनका पार्टिसिपेशन भी लेना चाहिए जब भी प्लानिंग हो, या उनके व्यूज़ को शामिल करना चाहिए, उनके सजेशंस को लेना चाहिए, क्योंकि जितना ही ज़्यादा हम बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे वो उतने ही ज़्यादा एक्टिव होंगे। क्या होंगे? वो एक्टिव रहेंगे, एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा उनका, और जिससे कि हमें जो रिज़ल्ट है वो अच्छा मिलेगा। ठीक है, इसलिए बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है, और ये आप अलग अलग तरीके से पार्टिसिपेशन ले सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे, स्मॉल ग्रुप लेके, या डिस्कशन के वे में, किसी भी तरीके से आप बच्चों को पार्टिसिपेशन में इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो हमने सात तरीके देखे, ये थे हमारे सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस के अधिगम के अनुभवों के चयन के लिए। अब हम देखते हैं अपना थर्ड जो स्टेप था, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, विषय वस्तु का चयन। रिफर टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ टीचिंग लर्निंग, शिक्षण अधिगम की विषय वस्तु के संदर्भ में। ऑफकोर्स ये बातें, जो भी हमने लर्निंग एक्सपीरियंसेस हमने सिलेक्ट किए हैं, जैसा कि हम बच्चों को लर्निंग एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, जो भी सब्जेक्ट मैटर है या हम कहें कंटेंट है, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, देन रिफर टू द सेवरल एस्पेक्ट सच एज सिग्निफिकेंस, इंटरेस्ट, लर्नेबिलिटी। ऑफकोर्स जब हम सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं, उसके महत्व की बात कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स हम ये देखेंगे कि जो भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस हमने पहले सेलेक्ट किए हैं उसी के बेसिस पे ये जो
कंटेंट है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, या एग्जैक्टली हम वही डिज़ायरेबल चीज़ें दे रहे हैं या अनडिज़ायरेबल चीज़ें भी दे रहे हैं, तो उसका सिग्निफिकेंस कितना है, कितना वो महत्वपूर्ण है। दूसरा, जो कंटेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बच्चों के रुचि के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तभी बच्चा जो है उसमें इन्वॉल्व होगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, उसकी लर्निंग अच्छी होगी। देन सीखने की क्षमता या अधिगम की जो हम क्षमता की बात करते हैं, ऑफकोर्स जो उसकी लर्निंग एबिलिटी है वो इंक्रीज़ होगी जितना ही ज़्यादा कंटेंट जो है वो मैच करेगा हमारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस से, जैसा कि हम उसे देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। नेक्स्ट जो स्टेप हैं वो है ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, अधिगम के अनुभवों का संगठन और एकीकरण। दिस स्टेप इज इम्पॉर्टेंट एज दे आर कनेक्टेड टू द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यह चरण महत्वपूर्ण है क्योंकि वे सीखने की बात करें या हम कह सकते हैं अधिगम की बात की प्रक्रिया से जो है वो जुड़ा होता है, इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमने अभी तक जितने भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस सिलेक्ट किए थे उनके बेसिस पे हमने कंटेंट को सिलेक्ट किया है, अपने विषय वस्तु को सिलेक्ट किया है, और उनको एक प्रॉपर वे में अरेंज करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको इंटीग्रेट करना, सही मायने में अगर जितना सही होगा उतनी ही बेटर जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगी, इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो स्टेप है। ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन पीपल्स एक्सपीरियंसेस, लोगों के अनुभव के आधार पर शिक्षण गतिविधियों का आयोजन। और यहाँ पे हम जो ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं अभी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लर्निंग एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप हमारा लास्ट है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑन डिफरेंट फेजेस एंड एन एग्जामिनेशन ऑफ वेदर द गोल्स हैव बीन अटेंड। विभिन्न चरणों में मूल्यांकन और लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं या नहीं, इसकी हम यहाँ पे जांच करेंगे या हम मूल्यांकन करेंगे कि हमने किस हद तक जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल किया है, किस हद तक हमने पूर्ण किया है, अच्छे से उसे प्राप्त किया है, अलग अलग स्टेजेस पे और ओवरऑल भी। ठीक है, थ्रू फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट, ऑफकोर्स फॉर्मेटिव हम बीच बीच में चेक करेंगे अलग अलग स्टेप्स में, और समेटिव हम एज अ होल जो है उसका असेसमेंट करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, और मूल्यांकन किसके बेसिस पे होता है, जो भी हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम किए थे ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम इवैल्यूएशन करेंगे। अब ये जो हमने व्हीलर्स की साइकिल देखी पूरी, ठीक है, इस मॉडल की साइकिल देखी, इसके कुछ एडवांटेजेस देखते हैं। पहला है व्यूज करिकुलम एलिमेंट्स एज इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट, पाठ्यचर्या के तत्वों को परस्पर संबंधित और अन्योन्याश्रित के रूप में देखा जाता है। मींस ये जितने भी स्टेप्स हमने अभी ये पांच देखे थे, ये कैसे हैं, इंटर रिलेटेड हैं आपस में ही, साथ में इंटरडिपेंडेंट भी है, क्योंकि अगर एक में कुछ चेंज आएगा तो दूसरे में भी चेंज आएगा, सो ये इंटर रिलेटेड भी हैं और इंटरडिपेंडेंट भी हैं। सेकेंड है कंटिन्यूस एक्टिविटी, एक सतत गतिविधि है। ऑफकोर्स हमने व्हीलर के मॉडल को क्या कहा है, ये व्हीलर मॉडल एक साइकिल है, एक साइकिल के रूप में जो भी हमें रिजल्ट मिलता है, फीडबैक मिलता है, उसके थ्रू हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को रीफ्रेम कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, अगेन ये जो साइकिल है वो पूरी चलती है, तो इसलिए ये कंटिन्यू एक्टिविटी एक सतत गतिविधि है। देन इनकॉर्पोरेट्स न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू द करिकुलम, ऑफ कोर्स फीडबैक हम जो भी कर रहे हैं रिजल्ट का, तो जो भी नई जानकारी हमें मिल रही है हम उसको यहाँ पे शामिल करते जाएंगे। देन हैज़ फीडबैक मैकेनिज्म, ऑफकोर्स इसमें प्रतिक्रिया तंत्र है, जो भी हमें फीडबैक मिलता है वो यहाँ पे वापस से जो फर्स्ट स्टेप है उसमें इंक्लूड होता है। एम्फेसिस ऑन सिचुएशनल एनालिसिस, स्थिति जन्य विश्लेषण पर ये जोर देता है, क्योंकि हम यहाँ पे लर्निंग एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे हैं, तो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं वो पूरी तरीके से जो भी बच्चों को हम देना चाहते हैं उनके रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड
हम यहाँ पे फ्रेम करते हैं और उसी के बेसिस पे कंटेंट फ्रेमिंग होती है। सो ये पूरी तरीके से सिचुएशनल एनालिसिस पे जो है वो बेस्ड होता है या एम्फेसिस इस पे करता है फोकस। इवेल्युएट एट अ स्टेज वेयर इट्स फाइंडिंग आर फीडबैक इन टू दी ऑब्जेक्टिव्स। अगेन वही बात है, क्योंकि जो भी हम इवेल्युएशन के थ्रू रिजल्ट मिलता है हमें, उसी को हम एज अ फीडबैक के रूप में मॉडिफाई करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को। ठीक है, देन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इट इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव मॉडल। देखिए, हमने टाइलर का और हिल्डा टाबा का मॉडल पढ़ा, जो कि एक लीनियर वे में देखा हमने, तो वही स्टेप ऑलमोस्ट एक ऑब्जेक्टिव टाइप का मॉडल ये भी है। बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, उसी टाइप की स्टेप्स हैं। सो ये भी एक ऑब्जेक्टिव मॉडल ही है, या वास्तुनिष्ठ मॉडल या प्रतिमान ही है। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। ऑफकोर्स इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनेट नहीं हो रहा है, जो प्रोसेस है वो ख़त्म नहीं हो रहा है, ये एक साइकिल है। तो ऑफकोर्स अगर हमें जो भी रिज़ल्ट मिलेगा हम उसे वापस से फीडबैक करेंगे और ये पूरी साइकिल चलेगी, तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही। देन इट सीम्स टू लैक ऑफ प्रोसीजर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटीग्रेशन लर्निंग एक्सपीरियंसेस कंटेंट एंड इवेल्युएशन। ऐसा लगता है कि प्रक्रिया संगठन और अधिगम के अनुभवों या सीखने के अनुभवों, सामग्री मतलब विषय वस्तु और मूल्यांकन को एकीकृत करने की इसमें कमी देखी गई है, या एक लैक ऑफ प्रोसीजर है कि जो हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इंटीग्रेट कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रोसेस में थोड़ी सी लैकिंग है यहाँ पे। देन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लोकेट। इसको थोड़ा सा पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि कहाँ पे हम स्टेप्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, क्योंकि एक साइकिल है और इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट है, तो थोड़ा सा स्पेसिफाई करना हमें डिफ़िकल्ट होता है। सो थैंक यू। सो यहाँ पे हमने पूरा व्हीलर का जो मॉडल है, जो प्रतिमान है, वो हमने कंप्लीट किया है। ओके।